अरे ये मैं कहाँ पर हूँ ये कहाँ आ गया मैं अरे बाबू तुम उठ गए ये फिर से आ गई है, 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 क्या करूँ क्या करूँ क्या भूतनी किसको बोला मैं भूतनी नहीं, नहीं हूँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ तो का सर आज सुबह सुबह हम खेलने आए थे फुटबॉल और हम मैच अपना जीत चुके हैं तो अब घर जाने का टाइम आ चुका है चलो यार अगले संडे को मिलते हैं बाय बाय फ्रैंकलिन चलो चलो बाय बाय चलो का फटाफट फड़ से अपने घर पे चलते हैं वैसे मुझे आपको एक बात बतानी थी जब मैं फुटबॉल खेल रहा था वहाँ पे मैंने एक लड़की देखी थी और उसके कपड़ो पे देखो मेरी फोटो बनी हुई है पता नहीं कैसे मुझे समझ नहीं आया पर मेरी फोटो सिर्फ कपड़े पर बनी हुई है मतलब मुझे समझ नहीं आ उसके कपड़ो पे मेरी फोटो कैसे हो सकती है पर छोड़ो अपन को क्या करना है अपन तो अपने घर जाने वाले हैं चलो गाय फटाफट से घर चलते एक सेकेंड ये गाड़ी किसकी है ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है ये खतरनाक सी लैम्बोर्गिनी पर छोड़ो अपन को करना है अपने पास इतने पैसे नहीं कि हम लैम्बोर्गिनी खरीद पाए चलो फटाफट से घर चलते हैं आज का फुटबॉल का मैच तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था एक सेकेंड वो पिंक वाली लैम्बोर्गिनी वहाँ से निकल चुकी है यार मेरा भी सपना है कभी ना कभी लैम्बोर्गिनी और ले लेगा कभी ना कभी तो लेंगे पर अभी नहीं ले सकते एक सेकेंड ये लैम्बोर्गिनी वाला मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है

बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो फ्रैंकलिन क्या शादी अरे मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और मुझे फॉलो मत करो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी क्या मतलब है जबरदस्ती क्या मुझे शादी नहीं करनी तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ फ्रैंकलिन और मैं तुमसे शादी करके रहूंगी अरे ये शादी करूंगी अरे मुझे तुमसे शादी नहीं करनी अरे भागो ये क्या था मुझे समझने ये भूत नहीं, मेरे पीछे पड़ गई अरे जल्दी यहाँ से निकलो अरे क्या चीज थी मुझे समझ नहीं आया उसकी खतरनाक लग रही थी मुझे पर मैं बच गया चलो फटाफट से घर चलते बोल रही थी मुझे शादी कर लो मुझे किसी से शादी नहीं करनी मैं तो जा रहा हूँ घर पे चलो का अपने घर पे आ चुके हैं एक सेकंड ये तो वही वाली लैम्बोर्गिनी है अरे ये तो वही वाली लैम्बोर्गिनी है है जिसमे

ये क्या चल रहा है ये किसने किया है मैं जब घर से निकला था तब तो ये सब का सब सही था ये क्या हो गया ये कैसे हो गया ये जमीन के ऊपर भी मेरा दिल और फोटो लगी हुई है और यहाँ पे देख तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अरे ये किसने किया है मेरे घर पे ये क्या टीवी के ऊपर भी और आप देख सकते हो इसे तो छत इस के ऊपर ही बना दिया अरे का ऐसा मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है मुझे लगता है वो सब ये भूतनी ने किया है वो भूतनी जो मेरे से शादी करना चाहती है उसने ये सब किया होगा फ्रैंकलिन बाबू कैसा लगा मेरा सरप्राइज फ्रेंकिन बाबू मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो मैं नहीं करूँगा तुमसे शादी अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं जबरदस्ती तुमको तुम्हारे ही घर से उठा ले जाऊंगी अरे तुमको जो करना है कर लो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे <laughs> और एक सेकंड ये क्या हो गया मेरे घर की लाइट कैसे चली गई अरे ये क्या चल रहा है मुझे बहुत ही डर लग रहा है अरे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा अरे कहाँ जाओ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अरे लाइट कहाँ चली गई रुक चो रुक चो मुझे टॉर्च ढूंढनी पड़ेगी मुझे टॉर्च ढूंढनी पड़ेगी जल्दी जल्दी टॉर्च लेने चलते फ्रैंकलिन मैंने बोला था तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी अब तुम कहीं नहीं जा सकते तुम मैं मुझसे शादी करनी पड़ेगी ये कहाँ से आ गई अरे ये क्या हो गया मेरे पति देव तो बेहोश हो गए पति देव, देव उठिए अरे फ्रैंकलिन पति उठिए अब मुझे इनको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा चलिए पति देव मैं आपको अपने घर लेके चलती हूँ पति देव चलिए मैं आपको घर पे लेके चलती हूँ हम दोनों साथ में शादी करेंगे ये। चलिए, चलिए। मैं कहा जा रहा हूँ मुझे छोड़ दो नहीं पति देव अब मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी चलो चलो मैं आपको गाड़ी में डाल देती हूँ टिक्की में आ, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो आइए पति देव बाबू मिल गए अब मैंने अपने घर पे लेके जाऊंगी और हम शादी करेंगे अरे मुझे बाहर निकालो ये काम बंद कर दिया मुझे बाहर निकालो मुझे बाहर निकालो।, निकालो अरे पति देव आप टेंशन मत लो आप बिल्कुल सेफ है मेरे साथ अरे वही के अरे तो मेरे को में लेके जानी है मुझे बाहर निकालो मुझे बाहर निकालो अरे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं बाबू उठो उठो देखो हम अपने घर पर आ गए आज शादी करने के बाद हमेशा हम इसी घर में रहेंगे ही 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 ही। अरे ये मैं पर कहा, ये कहा गया मैं? कौन सी जगह बाबू तुम उठ गए ये फिर से आ गई क्या करूं क्या करूँ काजो काजो अरे ये क्या मुझे जेल में क्यों बंद कर दिए मुझे यहाँ से निकालो अरे बाबू ये जेल नहीं है ये मेरा दिल है तुम मेरे दिल के अंदर अरे मुझे किसी के दिल के अंदर नहीं रहना मुझे बाहर निकालो मैं कहाँ आ गया हूँ बाबू ये मेरा घर है और तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोल देते मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी अरे मुझे तुमसे शादी करनी नहीं है तुम एक भूत नहीं हो क्या भूतनी किसको बोला मैं भूतनी नहीं, नहीं हूँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ तुम्हें तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी <laughs> ए, मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे यहाँ है मुझे यहाँ ऐसी अरे रुको मेरी बात सुनो मुझे यहाँ से निकालो अरे काइजर क्या का मुझे समझ समझने रहा मुझे यहाँ से निकलना है कैसे भी करके निकलना पड़ेगा वो अभी तो मेरे लिए खाना लेने गई है और वो फिर कभी मुझे खाना बना के खा जाएगी वो एक

मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है यहाँ से कोने में एक छेद है और सामने देश में कितने ज्यादा खतरनाक सीन रो रखे रुको मेरे पास एक आईडिया है ये जो पोल यहाँ पर बने वो इतने ज्यादा लंबे नहीं है तो मैं इनके ऊपर चढ़ सकता हूँ चढ़ के देखते हैं अरे ये क्या मैं तो चढ़ गया अरे मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा अरे अब तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ चलो फटाफट से चलते एक अरे यहाँ पर क्या चल रहा है यहाँ पे देख सकते हो दो दो पैर यहाँ पर लटक रहे हैं और ये लड़की भी यहाँ पर लटक रही है और ये दोनों यहाँ क्या करिए मुझे बहुत ही डर लग रहा है यहां से निकलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी अरे ये तो बाथरूम है मुझे यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा नीचे जाने का रास्ता कहां पे अरे ये क्या चीज है ये यहाँ पे अंकल यहाँ मरे से क्यों पड़े ये क्या चीज है मुझे तो समझ नहीं आ रहा अरे कायर मैं तो कुछ खतरनाक सी जगह में फंस चुका हूँ मुझे यहाँ से निकलना है पर कैसे निकलू और तो टीवी लगे हुए हैं मतलब ये जो पूछनी है वो सीसीटीवी में सब चेक कर दी कौन आ रहा है कौन जा रहा है अरे एक अब ये क्या सामने चल रहा है ये तो कुछ खतरनाक सा लग रहा है मुझे ये देखो यहाँ पे ये बाबा है यहाँ पे तो किसी की लाशें पड़ी है और ये अंकल कौन से यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ

क्या हो रखा है मुझे तो बहुत डर लग रहा है अरे पे सामने का अंकल है अरे मुझे लगता है ये बाहर जाने का रास्ता है पर ये क्या ये गेट तो इन्होंने बंद कर रखा है मुझे बाहर जाना है यहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ तो क्या करूँ अरे ये क्या यहाँ पर भी लोग मरे हुए अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पे देखो हमें मोमबत्तियां चल रही है चूहा पड़ा है और ये लड़की यहाँ पर मरी हुई है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अरे ये अंकल कौन है मुझे तो ये समझ नहीं यहाँ पे नंगे क्यों खड़े वहाँ पर भी एक लड़की मरी हुई है अरे अंकल आप कौन है ये

और मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है पर कैसे तुम हो, अरे ये तो भूत नहीं वो लगता है मुझे, क्या 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 मुझे समझने मुझे बहुत डर लग रहा है क्या करू अरे का मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा यहाँ से निकलना पड़ेगा अरे ये इधर ही है मुझे रुकना नहीं है मुझे रुकना नहीं है मुझे यहाँ से भागना है क्या करूँ, क्या मुझे कुछ ना कुछ तो

ये लोग कौन है? अरे तुम तो मुझे क्यों मार रहे हो अरे ये तो बहुत ही ये मुझे गाड़ी में नहीं बैठने देंगे मुझे, मार मुझे निकलना पड़ेगा। पर ये कैसी कितनी पीछे भागे जा रहे हैं मैंने कुछ किया भी नहीं इनका तो जल्दी जल्दी भागते हैं मुझे यहाँ से कैसे निकलू इस ट्रैक्टर में बैठ जाऊ क्या भाई ये ट्रैक्टर तो बहुत ही ज्यादा स्लो चलेगा मैं कब पहुंचूंगा कब क्या होगा पता नहीं मुझे रुको यहाँ पर कुछ जाने का रास्ता है सर तो ये ये कहा गया मैं ये ये कौन सी जगह अरे यहाँ पर ये क्या चल रहा है यहाँ पर तो कुछ खतरनाक चल रहे? ये क्या पर तो इतना सारा खून हो रखा है ये कौन सी जगह पर मैं आ चुका मुझे कुछ समझ नहीं रहा ये अंकल कौन है मैं कौन हुए? मुझे यहाँ से जाना है बाहर मुझे यहाँ से बाहर निकालो रुको रुको यहाँ से जाके देखते हैं मुझे यहाँ से बाहर निकालो अरे तो कहा सर ये क्या मैं बाहर आ गया मैं बाहर आ गया आखिरकार मैं बाहर आ गया मैं पता नहीं कहाँ पर हूँ वो मुझे नहीं पता मेरे मैं बाहर तो आ गया

तो चलते हैं है बाबा के पास तो हम बस यार बाबा के पास पहुंचने वाले हैं और सर, वो मेरी मदद करने वाले उस भूतनी को मेरे से दूर करने के लिए क्योंकि वो भूतनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वो मेरे से शादी करना चाहती है और वो इतनी खतरनाक है मेरे से वो शादी कर भी लेगी और हम बाबा के पास आ गए बाबा जी बाबा जी मेरी मदद करो क्या हो गया मेरे बच्चे अरे बाबा जी बाबा जी मेरे पीछे एक भूत पड़ गए और वो मेरे से शादी करना चाहते हैं मुझे बचा लो मेरे बच्चे अस्सी साल हो गए मेरी शादी नहीं हुई तुझसे कोई शादी करना चाहता है तो तू भी कर लेना अरे पर वो भूत नहीं है और मुझे किसी से शादी नहीं करनी अरे बाबा जी मुझे बचा लो मेरे बच्चे टेंशन मत ले मैं तेरी मदद करूंगा बताओ वो बूतनी दिखती कैसे वो भूतनी, वो भूतनी बहुत वो बहुत खतरनाक है बिल्कुल जैसे दिखती है अच्छा बच्चे मैं समझ गया हमें एक हवन करना पड़ेगा उस भूतनी के लिए उस भूतनी को तुम्हारी लाइफ से निकालने के लिए हवन करना पड़ेगा हाँ तो करो जल्दी करो बच्चे इतनी जल्दी नहीं होगा हवन आज रात को बारह बजे इधर आ जाना हम साथ में हवन करेंगे ओके मामा जी चलो बच्चे बाय बाय और मैं तो बोलता हूँ शादी कर लो करनी है तो नहीं 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 मुझे उससे शादी नहीं करनी तो सर अभी हमने अपने बाबा से बात कर लिया और उन्होंने बोला बारह तो अभी मैं जाने वाला से कुछ खाऊंगा पीऊंगा आएंगे और हवन करके उस भूतनी को मुझसे दूर भगाएंगे तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है अगर आप अभी बजाय वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा डर थोड़ा कम हो सकता है तो बड़ा वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपन चलते हैं तो गाय सर अभी बस यार बारह बजने वाली है कुछ मिनट ही बाकी

आ जाओ बच्चे मेरे साथ बैठो हम उस भूतनी को इस दुनिया से भगाएंगे ओके ओके चलो बैठते बच्चे आज हमें यह हवन करके उस भूतनी की आत्मा को शांति देनी पड़ेगी ताकि वो तुम्हें छोड़ के चली जाए ओके बाबा मैं तैयार हूँ तो बच्चे साथ में बोलो ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम ए भूतनी चली जा ए भूतनी चली जा चली जा छोड़ के ये दुनिया चली जा छोड़ के ये दुनिया बच्चे थोड़ा मन से बोलो बच्चे थोड़ा मन से बोलो अरे मेरा मतलब है तुम मन से बोलो अरे मेरा मतलब है तुम मन से बोलो अरे बच्चे मुझे रिपीट मत करो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने मन से बोलो अच्छा चटी के भूतनी चली जा भूतनी चली जा तू नहीं चली जा चली जा चली जा मुझे कोई भूतनी नहीं दिखाई रही अरे वो कहा चली गई बच्चे फालतू बातें मत करो बोलो भूतनी चली जा अरे बाबा देखो वो भूतनी मेरे सर के ऊपर बैठी है बाबा मुझे बचाओ बाबा मुझे बचाओ अरे बच्चे क्या बोल रहे हो तुम्हारे सर पर तो कोई नहीं है अरे कहाँ चली गई अभी तो यहाँ पे थी बच्चे मैं बोल रहा हूँ ना मजाक मत करो बोले भूतनी चली जा भूतनी चली जा, भूतनी चली, जा। भूतनी चली जा अरे बाबा वो भूतनी आपके पीछे खड़ी है अरे बच्चे मजाक नहीं बूतनी चली जा अरे बाबा सही में खड़ी है <laughs> मैं आ गई तुम मुझे बेचना चाहते हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अरे ये तो असली भूत नहीं है अरे वही तो मैं बोल रहा था अरे मार दिया रे फ्रैंकलिन तुम मुझे बेचना चाहते हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अरे नहीं नहीं मैं तुम्हें बेचना नहीं चाहता ये बाबा तुम्हें बेचना चाहते थे तो ये सब क्या है ये यहाँ पर क्या चल रहा है तो ये सब क्या है यहाँ पर क्या चल रहा है अरे ये 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 सब तुम दिवाली की तैयार कर देते हम तुमको भगा तो दे रहे अच्छा मतलब तुम मुझे भगाना नहीं चाहते नहीं नहीं मैं तुम्हें भगाना नहीं चाहता मतलब तुम मुझसे शादी करोगे शादी शादी करोगे कि मैं तुमसे शादी करूंगा क्या तुम मुझसे शादी करोगे मैं तुमसे शादी करूंगा आखिरकार फ्रैंकलिन तुम मुझसे शादी करने के लिए मान गए चलो हम चलते हैं शादी करने चलो चलो रुको मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ इसलिए मैं तुम्हें बाइक पर बैठू क्या मेरी बाइक पर अच्छा टिके टिकी बैठ जाऊं अरे ये मैं पहली बार देखने वाला हूँ किसी भूतनी को अपनी बाइक के ऊपर बैठाने वाला हूँ हेलमेट हैं अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है क्योंकि भूतनी को तो कुछ नहीं होने वाला वाह फ्रैंकलिन तुम तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो थैंक यू थैंक यू अरे ये भूतनी तो हमारे साथ बैठ चुकी है फ्रैंकलिन हम सालों साल तक हमेशा ऐसे बाइक पर घूमेंगे अरे क्या सालों साल तक तुम भूतनी हो मैं तो बूढ़ा होकर मर जाऊंगा ना तुम टेंशन मतलब मैं तुम्हें खा जाऊंगी उसके बाद तुम भी भूत बन जाओगे फिर हम साथ में घूमेंगे अरे नहीं नहीं मुझे बूत नहीं बनना। चलो फ्रैंकलिन, शादी करते हैं <laughs> <laughs> तो कैसे है? ये मुझे बहुत डर लग रहा है तो आखिरकार वो दिन आ चुका है मेरी शादी का दिन मेरी शादी होने वाली एक भूतनी से मैं नहीं चाहता पर करनी तो पड़ेगी फ्रेंकिन शादी के लिए आ, मैं, मैं, अरे मुझे पता है तुम तैयार हो चलो शादी करते हैं शुरू करो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शुरू करो शुरू करो वे आज तो शादी होने वाली है भूतनी जी क्या आप फ्रैंकलिन को अपना पति मानती हैं? फ्रैंकलिन क्या आप भूतनी जी को अपना पत्नी मानते हैं मानता हूँ मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया तुम्हारी शादी हो गयी बल्ले बल्ले नाचो बताई हो बताई हो शादी हो गयी हो शादी हो गयी E vengono i bambini i nostri figli E vengono i bambini i शादी हो गई शादी हो गई, शादी मेरी शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई। इस लड़के की तो शादी हो गई एक भूतनी से और इसकी जिंदगी खराब हो चुकी है अगर आपको अपनी जिंदगी नहीं खराब करनी तो लाइक और सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम और डिस्काउंट का डिस्क्रिप्शन में वापस फॉलो करो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय शादी हो गई मेरी शादी हो गई